मुकाबले में उनका एक भी विकेट नहीं गिरा और फिर 8वें ओवर में उमरान मलिक आए। उनकी गेंदबाजी ने गुजरात के परखच्चे ही उड़ा दिए। उमरान ने पहले शुभमन गिल, फिर हार्दिक पांड्या, फिर धीमान साहा, फिर डेविड मिलर और फिर उसके बाद अभिनव मनोहर को आउट किया। अगर इस मैच में उमरान का साथ हैदराबाद के किसी एक गेंदबाज ने भी दिया होता तो नतीजा कुछ और ही होता। खैर, उमरान का स्पेल 4 ओवर में 5 विकेट लेकर खत्म हुआ, जिसके बाद राशिद खान और राहुल तेवतिया ने गुजरात के गेंदबाजों की खूब धुनाई की। आखिरी ओवर में गुजरात को जीत के लिए 22 रन चाहिए थे और आखिरी 2 बॉल में 9 रन, जिसे राशिद ने आखिरी दोनों बॉलों में छक्का जड़कर हासिल कर लिया और गुजरात को सीजन की 8 मैचों में से 7वीं जीत मिली। वहीं हैदराबाद का लगातार 5 मैचों से चला रहा जीत का सिलसिला भी थम गया। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।